आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वृक्षारोपण कार्यक्रम में योगी सरकार ने बनाया कीर्तिमान। शाम 6 बजे तक 25,15,12,943 हुआ पौधारोपण। आज पूरे दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का था लक्ष्य। सीएम योगी ने चित्रकूट में पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा, जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए अनेकों कार्य। नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से हुए रूबरू। कहा कि अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। जनता की समस्याओं का 100% किया जाएगा समाधान। प्रॉपर्टी के पैसों को लेकर हुए विवाद में कोतवाली थाना क्षेत्र में दरोगा के बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। एसपी सिटी ने कहा, हत्या के मामले में एक व्यक्ति की गई है गिरफ्तारी, जल्द ही बाकी अभियुक्तों की हो जाएगी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के लिए गठित की गई है 2 टीमें। प्रदेश में हुए डॉक्टरों के ट्रांसफर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शासन के नियमानुसार होता है ट्रांसफर, सपा और बसपा के समय ट्रांसफर करना था उद्योग। हरसेवकपुर नंबर 1 निवासिनी महिला ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा, आरोपी पति को लिया गया है हिरासत में, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है प्रयास। जनता का पुलिस के प्रति फीडबैक लेने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने जारी किया क्यूआर कोड। कहा, जोन के सभी नागरिक क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं अपना वोट। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया पौधारोपण। कहा, पूरे प्रदेश में 35 करोड़ लगाया जा रहा है पौधा, अपने जीवन में जरूर लगाए एक पौधा। चक्राउवल स्थित अमरूद बाग में मिला एक व्यक्ति का शव। एसपी सिटी ने कहा, प्रथम दृष्टया मामला गला दबाकर हत्या करने का हो रहा है प्रतीत। घटना के खुलासे के लिए एसओजी स्वाट व राजघाट की गठित की गई हैं टीमें, जल्द ही होगा घटना का खुलासा। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने किया निरीक्षण। जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर किया उनका दीदार। कहा, छोटे बच्चे प्राणी उद्यान में आकर जानवरों को देखकर ले सकते हैं आनंद। प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में किया पौधारोपण। कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में लगाना चाहिए 10 पौधा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर तस्कर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 किलोग्राम नाजायज गांजा, 1 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में सदर सांसद रवि किशन व एडीजी जोन अखिल कुमार ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रदेश सरकार का 100 दिन का कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा, सभी मंत्रियों ने अपने अपने टारगेट को किया पूरा।